ये वीडियो 2 महीने बाद आ रहा हो, भी किस टॉपिक पे, किस टॉपिक पे, किस टॉपिक पे? आईपी रेटिंग नाम तो सुना होगा, मतलब हमने कोशिश किया है इस वीडियो में बहुत बताने, क्योंकि इस पे व्यू नहीं आते हैं, तो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश किया है कि वीडियो में जाना है, कुछ आए, मतलब वही बात हो गई ना, इतना बताऊंगा आपने कभी सोची नहीं होगी। और हाँ, यहाँ पर बहुत कोरा है, तो चलते हैं नीचे वीडियो बनाते। बाल दाढ़ी 15 दिन लग गए ऊपर से आने, खैर आईपी रेटिंग के बारे में बात चल रहा था। देखिए आजकल के जितने सारे स्मार्टफोन या छोटे मोटे गैजेट, ईयरफोन, हेडफोन, वॉच, स्मार्ट वॉच, बैंड, इन सारे चीजों में भी आईपी रेटिंग देखने को मिलती है। ये जो आईपी रेटिंग होती है यही दिखाती है कि आपका जो डिवाइस है वो डस्ट एंड वाटर के साथ कितना प्रोटेक्टेड है। बहुत सारी कंपनियां ये कहती है कि हमारा स्मार्टफोन वाटर एंड डस्ट या डस्ट एंड वाटर प्रूफ, ये भी आप समझ सकते हो आईपी रेटिंग के बारे में बात कर रहा। बहुत सारी कंपनियां तो ये भी कहती है हमारा 3 ATM प्रोटेक्टेड है, 5 ATM, ज्यादातर ये वॉचेस में देखने को मिलता है, इसके बारे में बताएंगे। तो इन्हीं सारी चीजों से थोड़ा डिटेल में बात करने वाले। तो अगर आप चैनल पर नए नए तो काहे भटक रहे हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन पाओ। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आईपी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो आईपी का मतलब ही फुल फॉर्म होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन, मतलब बाहरी चीजों को अंदर आने से रोकना। यहां पर बाहर की अंदर आने से क्या रोक सकते हो? वाटर एंड डस्ट, इसका मतलब ही हो जाता है। आईपी रेटिंग का मतलब है कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो भी आईपी रेटेड स्मार्टफोन होते हैं या गैजेट, तो उसमें आपने देखा होगा IP68, IPX4, IP54, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो इसमें जो पहले जगह पे जो IP54 है या IP68 है, जो पहले जगह पे लिखा होता है ना, वो डस्ट के साथ प्रोटेक्शन आपको बताता है, और दूसरे जगह पे जो लिखा होता है वो वाटर के साथ प्रोटेक्शन दिखाता है। तो अगर डस्ट वाला भाग की बात करें तो वहां पर आपको नॉर्मली 1 से लेकर 6 तक देखने को मिलेगा नंबर, जो कि आपको डस्ट के साथ कितना प्रोटेक्शन वो बताएगा। 1 से लेकर 6 तक जैसे ऊपर जाते जाओगे, डस्ट के साथ प्रोटेक्शन भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर 1 है तो 50 mm के बड़ी चीजों को अंदर आने से रोक सकता है, अगर 2 लिखा हुआ है तो वो 12 mm की चीजों को अंदर आने से रोक सकता है, अगर 3 लिखा है तो 2.5 mm की चीजों को अंदर आने से रोक सकता है, 4 लिखा है तो 1 mm की छोटी छोटी चीजों को भी अंदर आने से रोक सकता है, और 5 लिखा है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि डस्ट बिल्कुल आसानी से अंदर नहीं जाएगा, 6 लिखा है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपका स्मार्टफोन या डिवाइस बिल्कुल फुल्ली डस्ट प्रूफ हो चुका है। और अगर दूसरे स्थान पे जो लिखा होता है, जो कि बताता है कि वो वाटर के साथ कितना प्रोटेक्टेड है, वहां पर आपको नॉर्मली 1 से 9 तक या 8 तक इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको 1 से 9 तक या 8 तक जाओगे तो वही चीज होगी कि वाटर के साथ जो प्रोटेक्शन वो बढ़ती जाएगी। जैसे अगर 1 है, अगर डिवाइस के ऊपर बिल्कुल ऊपर से फव्वारा मारा जा रहा है तो प्रोटेक्टेड है, अगर 2 लिखा हुआ तो 30 डिग्री एंगल पे टिल्ट करके या 15 डिग्री पे अगर कुछ भी फुब्बारा डाला गया तो प्रोटेक्टेड है, 3 लिखा हुआ तो 60 डिग्री पे टिल्ट करके थोड़ा फुब्बारा डालेगा तो प्रोटेक्टेड, 4 है तो इस तरीके से समझ सकते हो 360 कहीं से भी फुब्बारा डालो एक तरीके से स्प्लैश प्रूफ बन जाता है, 5 है तो आप समझ सकते हो उस पर थोड़ा प्रेशर, मान लो नल पे हाथ को धो रहे हो, नहा रहे हो, मतलब थोड़ा वो छींटे पड़ गए, थोड़ा स्प्लैश प्रूफ टाइप का बन जाता है, अगर 6 है तो फिर जेट के नोजल वोजल हो तो उससे भी ज्यादा प्रेशराइज वाटर आपके डिवाइस पे गिरेगा तो उससे भी प्रोटेक्टेड हो, वही अगर 7 लिखा हुआ तो आप समझ सकते हो 15 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर आप लेकर जा सकते हो लगभग 30 मिनट तक, 8 लिखा हो तो आप समझ सकते हो 30 मिनट से भी ज्यादा 1 मीटर गहराई से भी ज्यादा नीचे तक पानी में जा सकते हो, 9 लिखा हुआ है फिर के लिखा हुआ है तो ऐसा आप समझ सकते हो वहां पर आपको वाटर की एक नेक्स्ट लेवल की प्रोटेक्शन देखने में बहुत अंदर तक जा सकते हो। के का मतलब ये होता है कि आपके जो वाटर होता है उसमें अगर टेम्परेचर भी है, अगर वाटर गर्म भी है तो भी आपको स्मार्टफोन या गैजेट में प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये आपने दोनों का मतलब समझ लिया कि आईपी के आगे जो 2 अक्षर होते हैं, पहला मतलब जो डस्ट के साथ प्रोटेक्शन जो कि 1 से 6 तक का होता है, दूसरा जो कि वाटर के साथ प्रोटेक्शन जो कि 0 से 8 या 9 या के होता है। बहुत सारे आप डिवाइस में या छोटे मोटे गैजेट में देखा होगा कि IPX4, IPX5, IPX7 का प्रोटेक्शन है, तो उसका मतलब ये होता है पहले स्थान पे 1 है, दूसरे स्थान पे 7, 7 का वाटर रेजिस्टेंट मिल जाएगा और पहले स्थान पे 1 है, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब डस्ट के साथ कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिला। अब इतने सारे सुनकर आप सुन रहे होंगे IP67 है तो वाटर के साथ बहुत अच्छा प्रोटेक्शन, 30 मिनट तक अंदर हम पानी में जा सकते हैं, 8, 9 लिखा हो तब तो बिल्कुल गर्म पानी में भी डाल सकते हैं, सब बिल्कुल सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो सारे टेस्ट किए जाते हैं बिल्कुल शांत जल, बिल्कुल सो रहा है, मतलब पानी को सोते हुए तंग करके उसमें टेस्ट किया जाता है, तब जाकर ये प्रोटेक्शन आपको बताया जाता है, जो कि आपको लुभावने शब्द जैसा लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि जिस स्मार्टफोन में या गैजेट में आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, यानी थोड़ा सा पड़ेगा तो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं, उसमें भी आप बहुत सारे तरह के कोटिंग, कुछ तरीके से ग्लू से चिपकाया जाता है यहाँ पर, जो कि सिम ट्रे होता है, चार्जिंग पॉइंट होता है, ऐसे ऐसे जो होल होते हैं स्मार्टफोन में वहां पर भी आपको रबड़ के कुछ कनेक्शन के साथ आपको वहां पर अटैच किया जाता है, जिससे कि वो नॉर्मली स्प्लैश या पानी में भी चला गया 1-2 मिनट, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो में टेस्ट भी करते हैं, 2-3 मिनट तक सही आ जाता है, जिसमें कि आईपी रेटिंग है भी नहीं, क्योंकि जानते हो आईपी रेटिंग लेने
के लिए स्मार्टफोन को आईपी से प्रूव करवाना पड़ता है, जो कि गुरु हैं आईपी के, तो पैसे भी खर्च करने पड़ते। अब एटीएम रेटिंग के बारे में बात करते हैं। ये नॉर्मली आपको वाटर के साथ प्रोटेक्शन बताता है ज्यादातर, और ये भी बताता है कि आपका स्मार्ट, ज्यादातर ये जो आपके वॉचेज होते हैं इसमें आपको देखने को 3 ATM 5 ATM इस तरीके से प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर एटीएम का मतलब ये समझ सकते हो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये एक एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब एक एटीएम का मतलब ये समझ सकते हो वायु द्वारा समुद्र के तल पर पड़ने वाला दाब। अगर आपका 3 ATM प्रोटेक्टेड है आपका वॉचेस, तो आप समझ सकते हो 3 वायुमंडलीय दाब इतना प्रेशर झेलवा सकते हो पानी के अंदर डाल के। 5 ATM है तो 5 एटमोस्फेरिक प्रेशर ना दाब पानी के अंदर वो झेल सकते। लेकिन ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मोटे मोटे ऐसे समझ सकते हो कि 3 ATM का प्रोटेक्शन है तो आप पानी के अंदर 30 मीटर जा सकते हो, 5 ATM है तो 50 मीटर, 10 ATM है तो 100 मीटर, 20 ATM है तो 200 मीटर जा सकते हो पानी के अंदर। लेकिन इतना अंदर कौन जाता है, सुनने में खराब लग रहा होगा, क्योंकि हाँ एक बात मैंने बताया, ये सब सारी शांत जल में होता है। मान के चलो तुम स्विमिंग कर रहे हो तो पानी में उतार चढ़ाव आ रहा, आप हाथ बहुत तेज उठा पटक रहे हो तो उसमें बहुत आ रहा, तो जो 20 मीटर नीचे पानी में प्रेशर डालेगा वो आप ऊपर ही छप छप करके उतना प्रेशर डलवा दो घड़ी के ऊपर। तो सिंपलिस्टिक वे में अगर इसको समझाए तो 3 ATM का प्रोटेक्शन है तो एक तरीके से समझ सकते हो आपका स्प्लैश प्रूफ, नहा सकते हो, हाथ धुल सकते हो, उसके ऊपर पानी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 ATM है तो थोड़ा बहुत हाँ बिल्कुल पानी के अंदर भी जाएगा, मतलब फिर निकाल लोगे उतना बहुत कम देर के लिए स्प्लैश प्रूफ, मतलब एक्स्ट्रा लेवल के स्प्लैश प्रूफ, नहाते समय बिल्कुल हर समय पानी उन्हें जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वही अगर 10 ATM है तो आप समझ सकते हो उसको पहन के स्विमिंग कर सकते हो, मार मार गोते लगाओ, उतारो चढ़ाओ, मतलब इस तरीके के काम आप 10 ATM में कर सकते हो। अगर बिल्कुल 20 ATM है तो आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, मतलब गोते लगाओ, लगाए रहो अंदर पूरा पहाड़ी एरिया में जाके मछली उछली को देख के आओ, तब तक आपका घड़ी सही वर्क करेगा। अब एक और नया शब्द आपको सुनने को नहीं मिला होगा या इसी कैटेगरी में आता है, वाटर रेपेलेंट। जैसा कि इसके नाम से होता है वाटर रेपेलेंट, मतलब पानी इससे बहुत ही गहरा नाता नहीं है, मतलब पानी को रेपेल करता है। तो इस तरीके के जो डिवाइस होते हैं, सर्किट होता है, यहाँ पर भी सर्किट में भी वाटर रेपेलेंट का सपोर्ट होता है। मान लो डिवाइस के ऊपर वाटर रेपेलेंट का एक मतलब हाइड्रोफोबिक कोटिंग लगा दी जाती है, या फिर अगर सर्किट है तो उसमें भी हाइड्रोफोबिक कोटिंग लगा दी जाती है, जिससे कि क्या होता है कि उस पर जब पानी पड़ता है बिल्कुल पानी को फैलने नहीं देता अपने सतह पे, बिल्कुल कम एरिया में वो कवर करता है और बिल्कुल रेपल करने की कोशिश करता है। अगर टेढ़ा करोगे तो बिल्कुल पानी गिर ही जाएगा, तो बिल्कुल पानी से बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है। और एक होता है वाटर प्रूफ, मतलब कि बिल्कुल आपका स्मार्टफोन वाटर के साथ बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं। जिस तरीके से कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल सकता है, इसी तरीके से कोई भी स्मार्टफोन या गैजेट वाटर प्रूफ नहीं हो सकता, ये काल्पनिक आप समझ सकते। नंबरिंग दे तो इस तरीके से समझ सकते हो, जो आईपी रेटिंग था उसको वाटर रेजिस्टेंट या डस्ट रेजिस्टेंट कर सकते हो, तो वो सबसे पहले आता, उसके बाद वाटर रेपेलेंट आता, उसके बाद वाटर प्रूफ आता, जो कि काल्पनिक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको पता होनी चाहिए इन सारी चीजों से रिलेटेड। देखिए, अगर आपका स्मार्टफोन वारंटी में है और अगर आपका डैमेज हो गया वाटर से, वारंटी कवर नहीं होता है, क्योंकि ये जो सारे टेस्टेड या जो आईपी रेटिंग मिलती है आपको, ये एक फ्रेश वाटर में मिलता है। और अगर आप समुद्र के पानी से डैमेज कर दो, कुछ केमिकल वाटर से अगर डैमेज कर दोगे, तो ये सारी चीजें वो मानते ही नहीं, इसलिए वाटर से डैमेज को वारंटी में वो कवर ही नहीं करते। एक चीज और कि अगर आपके स्मार्टफोन में IP68 का अगर कोई प्रोटेक्शन या फिर वाची या कोई भी प्रोटेक्शन, वो समय के साथ साथ डिग्रेड होता है, घटता है। मान चलो आज कोई स्मार्टफोन लिया उसमें IP68 है, तो कुछ दिन बाद वो 57-58 भी हो सकता है। समय के साथ साथ ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।